हेलो, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं स्टील लाइफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिया है टाइटेनियम वाइट और सैप ग्रीन, और मैंने लिया है येलो, लेमन येलो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मेरा सीट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, उसके लिए सॉरी। चलिए हम लोग फटाफट स्केच कर लेते हैं। यहाँ स्टील लाइफ में आपको 6 स्टेप पे ध्यान देने होंगे: कलर, फील, कंट्रास्ट, मिक्सिंग, लाइट, हाईलाइट, शैडो, डिटेल्स। कलर फील में आप लोगों को जो जैसा जहाँ कलर दिखेगा वैसा आप लोगों को फील कर देना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। स्टील लाइफ में आप जब करते हैं तो बेसिक चीज़ों पर ध्यान कम जाता है और डिटेल्स पे ज़्यादा जाता है, तो डिटेल्स पे कम और बेसिक पे ज़्यादा जाना चाहिए। अगर आप लोग ऑयल कलर में स्टील लाइफ करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि पेंसिल का यूज ना करें, क्योंकि जो पेंसिल के ग्रेफाइड होते हैं वो ऑयल कलर की एज कम कर देते हैं। अब हम लोग स्टेप 2 में हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है। कलर के गहरे और हल्केपन से हम लोग ऑब्जेक्ट में उभरापन और गहरापन दिखा सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। हम लोग स्टेप 3 में आ चुके हैं, जो हम लोग का स्टेप 3 है मिक्सिंग। इसमें नॉर्मली कोई भी छोटे ब्रश से लेकर के आप लोगों को मिक्स करना है, जो कलर अच्छे से मर्ज हो जाए। अब हम लोग स्टेप 4 में आ चुके हैं, जो कि लाइट है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब लाइट चलती है, किसी वस्तु पे पड़ती है, तो अपन कुछ वो वस्तु कुछ अवशोषित करता है तो कुछ परावर्तित करता है, तो जो परावर्तित करता है तो वो हमारे रेटिना पड़ते हैं, जिसे हम लोग विजुअल करते हैं। यहाँ पर हम 5वें स्टेप में हैं, जो कि लाइट और शेडो है, और ये लाइट शेडो ही हम लोग के चित्र में डेफिनेशन का काम करती है, और लाइट के हमेशा अपोजिट शेडो रहता है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग स्टेप 6 में हैं, जो डिटेल है, और डिटेल में बाकी जो भी डिटेल्स आपको दिखते हैं उसको करना है, और जो जितने हाईलाइट बचे हुए हैं उसको भी कर देना है इसी में। यहाँ पर मेरी पेंटिंग बन के तैयार हो चुकी है, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया
आप लोग मेरी पेंटिंग को, पिछली पेंटिंग को प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आगे वीडियो में मैं और भी टिप्स दूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो पोर्ट्रेट के ऊपर है मेरे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। थैंक यू।